तो यहाँ पे मैंने आलू अभी भून रही हूँ, आलू को मसले में। और इधर मेरा चावल भी हो चुका है, और इधर दाल का पकौड़ा बनाई हूँ जो कि अभी सब्जी बन जाएगा आलू का, तो उसमें डालूँगी। और इधर छोटे आलू का भाजी बनाई हूँ, तो अभी जाते हैं फटाफट खाना बनाने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चली आई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह उठ के आज मैं नहा ली हूँ, अभी खाना बना रही हूँ। और अभी मम्मी बाहर बैठी हुई है और नानी गई है अभी मार्केट, मैं भी जाऊँगी, पर अभी नानी गई है, मैं खाना वाना बना के उसके बाद मार्केट जाऊँगी। तो अभी घड़ी में बज रहा है 15 मिनट कम है 10 बजने भी, और मम्मी का ड्यूटी जाने का टाइम भी हो चुका है। अभी खाना वाना बन जाएगा तो खा के ड्यूटी जाएंगी, तो मार्केट जाऊंगी मैं कुछ ख़रीदने। और क्या ख़रीदने जाऊंगी वो तो मार्केट जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ वो चीज़ लेने जो जा रही हूँ मैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी खरीदूँगी खरीदूँगी, मैं नहीं कर पा रही थी, तो इस बार ठान ली हूँ कि मैं आज जाऊँगी वो ले कर आऊँगी उनको। तो नया मेहमान है तो मैं जाऊँगी मार्केट, तो आपको बताऊँगी मैं क्या ख़रीदने जा रही हूँ, ठीक है? तो अभी जाती हूँ मैं फटाफट खाना बनाने। अभी खाना में मैं बना रही हूँ, चावल बन चुका है, छोटा आलू का भाजी भी बनाई हूँ, और इधर खाना में बैठाई हूँ, दाल का पकौड़ा भी बनाई हूँ। तो अभी मैं अभी खाना बना रही हूँ, खाना बन जाएगा तो उसके बाद मम्मी ड्यूटी चली जाएंगी, तब मैं जाऊँगी मार्केट। और अभी घर का थोड़ा बहुत काम है, बर्तन वर्तन धोना, वो सब धो के तब जाऊँगी मार्केट। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए। तो मैं जाती हूँ अभी फटाफट खाना बनाने, उसके बाद मार्केट जाके आप लोगों से मुलाकात होती है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए। तो दोस्तों मैं तो अभी रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, और अभी घर में कोई है नहीं, सब मार्केट गए हैं। तभी जाऊँगी फटाफट मार्केट, उसके बाद ख़रीदूँगी जो मैं लूँगी, वो मार्केट जाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, मैं जाती हूँ फटाफट मार्केट। तो मैं अभी बाज़ार जा रही हूँ, मार्केट भी पैदल पैदल। तो मैं चली आई हूँ मार्केट, और मार्केट आके मैं नानी को ढूंढी, नानी को भी ली हूँ, नानी ही खरीद देंगी, दाम मुझे करना नहीं आता है। चलिए तो देखिए कितना कबूतर रखा हुआ है, और मैं आई हूँ इनको ही लेने। तो यही मेरे घर के न्यू मेंबर है, तो यही ख़रीदने मैं आई हूँ मार्केट में। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो फाइनली आज मैं ये लेके जाऊँगी घर। तो देखिए कितने सारे कबूतर रखा हुआ है, तीन में से मैं दो लेके जाऊंगी। तो अभी देख रही हूँ कौन सा कलर लूँ, ब्लैक लूँ, वाइट लूँ, कोई भी लूँ, सब तो एक ही है। तब मैं यहाँ पे चार है, तभी नानी से मैं पूछ रही थी कि कौन सा वाला लूँ, तो नानी बोल रही थी जो तुझे पसंद है वो ले ले। तो मैं यहाँ से वाइट वाला ली हूँ, तो ये लेके जाएंगे अब घर। तो ये हमारे घर के न्यू मेम्बर, तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। तो इसके बाद अभी और भी मार्केट करेंगे। तो अभी हम लोग लेंगे सब्जी, तो सब्जी लेने के बाद अभी मैं आई हूँ यहाँ पे फल लेने। तो बाबू के लिए अंगूर लूँगी, बहुत दिन से बोल रहा था, तो आज लेके जाऊँगी अंगूर। तो दोस्तों मैं चली आई हूँ अभी बाज़ार से, मैं बहुत गर्मी लग रही है और धूप भी बहुत तेज़ किया है, तो मैं कबूतर लेके तो चली आई हूँ। अभी उसको पानी दी हूँ पीने के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और इसमें रखूँगी ये जो घर है कबूतर के, नया बना है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 6 महीना हो रहा है इसका बनना। तो ये बनने के बाद से कबूतर अब यहाँ पे नहीं रहते, पहले तो हमारे घर के बरामदा पे रहते थे कबूतर, अब वहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि जब बरामदा में थे तो हम लोग के घर में प्रॉब्लम होती थी, पॉटी वोटी करते थे तो प्रॉब्लम होती थी। तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर बना देते हैं घर, और 100 कबूतर थे तो 2-4 घर था बरामदा पे, तो उसमें नहीं रह सकते थे, कुछ हमारे घर के अंदर भी रहते थे। तो उसके बाद मम्मी ने ये बनाया घर, लेकिन ये बनने के बाद वो कबूतर सारे चले गए दूसरे के घर, मतलब पड़ोसी के घर में, अब नहीं रहते, अब एक भी कबूतर नहीं है। पहले 100 के ऊपर कबूतर रहते थे, अब तो एक भी कबूतर नहीं है। इसलिए मैं सोची थी पहले उनसे ले लूँगी, फिर सोची वो जब चले गए हैं अब क्या आएंगे, एक बार रखी थी तो फिर भी चले गए। तो उसके बाद मम्मी ने बोला कि मार्केट से ही ले के आएंगे फिर से नया से। और मुझे कबूतर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चिड़ई, कबूतर, पंछी, सब मुझे बहुत पसंद है। तो कबूतर जब था ना, तो हम लोग के घर में बहुत सुख शांति था, कबूतर रहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घर में आए बरकत सुख शांति सब रहता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके। तो इसलिए मैं मार्केट से ले के आई उसको, तो मम्मी को नहीं बताई हूँ,
तो मम्मी शाम को आएंगी तो उनको दिखाऊंगी कि मैं लेके आई। मैं मम्मी को सिर्फ बोली मैं कोई मार्केट जाऊंगी तो सब्जी लाने जाऊंगी, तो मम्मी बोली ठीक है जा, क्योंकि मम्मी नहीं रहती है सब पूरे दिन, मैं अकेली रहती हूँ। तो नानी को बोली थी कि मैं आऊंगी मार्केट खरीदने, तो मम्मी नानी ने पहले मना किया कि रहने दे कुछ दिन बाद खरीद ले, तो मैंने बोला नहीं मुझे अब भी चाहिए, तो अब भी चाहिए। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि उसको लूँगी खरीदूँगी, पर मैं नहीं खरीद पा रही थी, मैं जा नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा था। तो अभी मैं फाइनल की थी कि मैं आज लूँगी तो लूँगी। तो सुबह सुबह उठ के पूरा काम करके मैं मार्केट से लेके आई कबूतर, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं लगाऊँगी, देखती हूँ वो रहते हैं कि नहीं, तो इसमें ही रखूँगी। पहले सोची थी बरामदा पे रखूँगी, फिर नानी ने बोला कि बरामदा पे मत रख, फिर से वही प्रॉब्लम होगी, तो इसी पे रख रह जाएगा, तो यहीं पे फिर से लगाऊँगी यहाँ पे कबूतर। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, अभी मैं उनको खोल के इधर लगाऊँगी। तो कबूतर को तो उनके घर में मैं अभी घुसा दी हूँ, तभी इसका दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ, तो दो दिन बाद इसका दरवाज़ा खोलूँगी तो फिर ये उड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए अभी मैं इसको बांध रही हूँ। तो बांध के अभी वो रहेंगे, तो और खाना भी मैं अंदर दे दी हूँ, खाना भी दे दी हूँ, पानी भी दे दे रही हूँ, तो कोई चीज़ का तकलीफ ना हो उनको। तो फिलहाल अभी घर बांध देती हूँ, फिर दो दिन के बाद इनको छोड़ दूँगी, तो फिर ये नहीं जाएंगे रहेंगे। तो अंदर मैंने घुसा दिया है, देख ही रहे हो। तो दोस्तों अभी मैं और टोनी फिन जा रहे हैं टोको के पास। तो मैं कबूतर लेने गई थी तो टोको के लिए अंगूर ली थी, तो उसको अंगूर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत दिन से बोल रहा था मुझे अंगूर चाहिए चाहिए, तो मैं वो ली थी, तो उसको वो देने जा रही हूँ। तो अंगूर ली हूँ, उसके लिए चॉकलेट वोकलेट भी ली हूँ, तो उसको देने जा रहा हूँ। और देख रहे हो मौसम बारिश बारिश मौसम किया हुआ है, शायद बारिश भी होगा, होगा कि तो पता नहीं। अभी तो बहुत दो तीन दिनों से इतना धूप तेज दे रहा है, इतना गर्मी, बारिश होगा तो अच्छा होगा। और बहुत धूल भी है, देख ही रहे हो कितना धूल, रास्ते में चलने में पूरा पैर पूरा भर जाता है। तो बारिश होगा तो थोड़ा अच्छा ही होगा। तो अभी तो जा रहे हैं रूपा के, आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, पहले रूपा के पास जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी मेला लगा है, तो मैं कल आऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी किसी मेला कैसा होता है। तो कॉलेज में ही होता है, हर साल होता है, तो अगले साल नहीं हो रहा है, तो अगला बार मतलब कल आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी किसी मेला कैसा होता है। तो अभी तो फिलहाल जाते हैं रूपा के घर, ये पुचका रे जाने के टाइम पुचका खा के जाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, फिलहाल तो हम जाते हैं रूपा के घर। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ, मतलब कॉलेज के अंदर आ चुकी हूँ, और अभी रूपा इधर से आएगी, तो उसको फ़ोन की थी तो वो बोल रही है कि मैं आ रही हूँ। तो अभी मम्मी को भी फ़ोन की थी तो मम्मी भी फ़ोन नहीं उठाई फ़िलहाल, तो मैं अभी मम्मी को हॉस्टल के सामने हूँ तो इसलिए फ़ोन की कि शायद मम्मी निकल जाएगी तो शायद मेला आज ही चली जाती या फिर थोड़ा घूम लेती, लेकिन मम्मी फ़ोन नहीं उठाई। और अभी मौसम देखिए कितना सुंदर किया है, बारिश बारिश और पूरा तेज़ हवा चल रही है, देख रहे हो बहुत तेज़ हवा चल रही है। अरे रूपा आ रही है, अभी टोको भी आ रहा है, तो हम लोग सब मिल के जाएंगे थोड़ा फुचका खाने, फुचका भी खाएंगे। तो टूनी कैसा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा लग रहा है टूनी का मौसम। टूनी का फ़ायदा हो गया, जब मैं कहीं जाती हूँ उसको लेके जाती हूँ उसको अच्छा लगता है, लेकिन सारा पूरे दिन घर पे पड़ी रहती है, मेरे साथ रहती तो थोड़ा बाहर वाहर भी जा सकती है। फिलहाल तो मैं सोची थी थोड़ा मम्मी के साथ वक्त बिताऊँ, मम्मी के पास वक्त ही नहीं होता है, सारा दिन काम काम काम। देखा जाता है आ गया मेरा टोको बेटा, यप्पी। अंगूर नहीं जा, अंगूर खाएगा तो चुमा दे। चुमा दे, चुमा दे, दे। आमी दी फाकी देखती हूँ कि चुमा दिया। अंगूर गुला दी दे। और तो अभी मैं उसको अंगूर और उसका जेली देती हूँ, वो जेली निकाल चुका है, देखिए
कौन दिया? नम्मी। देखो कामला भाई लग रही है ना कामला भाई। चलिए अभी जाते हैं थोड़ा फुचका उचका खाने। अभी मैं आई हूँ पानी पूरी लेने रूपा के लिए, उसका पैक करा के लेके जाऊंगी। मैं रूपा नहीं आई, वो उधर खड़ी है देखो, तो उसके लिए अभी मैं पानी पूरी पैक करके लेके आई हूँ। तो वो नहीं जाएगी क्योंकि बाबू जाता मेला में तो बहुत बदमाशी करता, इसलिए वो नहीं गई। तो उसके लिए अभी मैं पानी पूरी लेके जा रही हूँ, उसको देके फिर हम लोग पानी पूरी, मैं भी सोच रही हूँ घर ले जाके शांति से खाऊं। देखते हैं कि टूनी क्या करती है, टूनी अगर खाएगी तो हम भी खा लेंगे, नहीं तो घर लेके जाएंगे शांति से खाएंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहे, फिलहाल तो मैं उसको जाती हूँ ये पानी पूरी देने। देखो महारानी को आए तो धोरीस ना, झाल लगवे तीखा लगेगा तुझे को। तो 30 টাকা দাদা 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 আঙ্গুলে ঢুকাতে না সব ঢুকরে পড়ে না 10 টাকা নে কেন এই খাইস চকলেট খাইস এখানে খাবো এক প্যাক ওখানে এখানে ওখানে দিছি না অনেকগুলো জেলি হ্যাঁ যাবো গা पानी होगा शायद। चलो नहीं बैठ चलो टाटा टाटा बैठे टाटा दे ठीक है घर टाटा ছাতা এখন এত বৃষ্টি নাই না, বৃষ্টি হবে তারপরে ছাতা বের করব, বৃষ্টি হবে আমি যাই এখন। তুমি ভালো করে যাবা টাটা, এই দাদা হ্যাঁ রাস্তা দেখে যাবা কে দেখে বাবা। বেশি ফুচকা খাবা না, বেশি ফুচকা আর তুমিও বেশি ফুচকা খাবা না, যেগুলো খাই নি যা টাটা। तो उन लोगों को पानी पूरी दे दी, अब हम लोग जाएंगे पानी पूरी खाने। तो पानी पूरी तू पानी पूरी खाएगी ना घर लेके जाएगी? नहीं मैं खाऊंगी और घर भी ले जाऊंगी। वो खाएगी भी पर घर भी लेके जाएगी, बाप रे। तो मैं भी तब पानी पूरी खाऊंगी और घर भी लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है, तब मैं पानी पूरी खाऊंगी उसके बाद। और वो अंकल मैं हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे ना, तो वो अंकल वही स्कूल के सामने स्टॉल लगाते थे, तो उनसे आज मुलाकात है। तो वो बहुत दिन के बाद मेरे को देखे, उनको लगा मेरी शादी हो गई मैं फिर बाहर चली गई ऐसा लगा, तो वो पूछ रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं मैं यहीं पे हूँ अभी तक, फिलहाल शादी वादी का कोई प्लान नहीं है अभी, तो उनके पास ही जाऊँगी पानी पूरी खाऊँगी और उसके बाद घर लेके जाऊँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए। बाप रे ये तो बिजली तड़क रही है, बारिश होगी शायद। चल रे चल, देखो कितना सुंदर मेला लगा हुआ है, फंक्शन चल रहा है उसमें। अभी तो पानी पूरी खाएंगे उसके बाद जाएंगे घर। क्या भाषण मार रहा है, क्या भाषण मार रहा है, मेरे शादी के लिए भाषण मार रहा है। तो हम लोग अभी खाए पानी पूरी और हम लोग अभी और पैक करा रहे हैं। तो हम चले आए हैं घर और टूनी, और देखिए कितना धूल है बाप रे। तो हम अभी चले आए हैं घर और कितना जोर जोर से बिजली तड़क रहा है, डर भी लग रहा है। अभी तक मम्मी नहीं आई है घर, मैं देखती बाहर कपड़े उपड़े रखा हुआ है क्या, फ्रिज भी होना है, गर्मी भी लग रही है यार। मौसम तो बहुत सुहाना किया है, दिख ही रहे हो मौसम बहुत सुंदर किया है मौसम। तो अभी जाएंगे थोड़ा चाय वाय पियेंगे, और जो पानी पूरी लेके आई थी तो मैं थोड़ा सा पानी पूरी खाई थी, क्योंकि खड़े रह के पानी पूरी खाने का जो मज़ा है वो घर लाके नहीं है। तो मैं थोड़ी खाई थी पानी पूरी और थोड़ा लेके आई हूँ घर। हार ये मेरा तो लोग का बंद है, कल खुलूँगी इनको। तो अभी जाऊँगी पानी पूरी खाने, देख लो कैसे बिजली। तो अभी जाएंगे चाय वाय पीऊँगी। तो अभी तो घड़ी में 5:30 बज रहा है, तभी चाय पियेंगे क्योंकि मम्मी नहीं आई है काम से, फिर मम्मी भी आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी देख लो कितना बारिश हो रहा है आज, आज फागुन महीना का फास्ट बारिश है। हम लोग मार्केट से आए, आने के बाद मैं वो गोलगप्पा खाई, खाना होने के बाद मैंने इधर चावल चढ़ाया, चाय बनाए बैठाई हूँ, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अभी तक मम्मी नहीं आई है। मम्मी अभी काम से छुट्टी हुआ तो वहीं पर अटक गई है, तो फ़ोन की मैं लेने आऊँ तो मना कर दी, और उतने में ही पूरा बारिश स्टार्ट हो गया। तो बारिश ख़त्म होगा तो मैं जाऊंगी मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी अंधकार से बहुत ही ज़्यादा डरती है, मुझसे भी ज़्यादा डरती है, तो मुझे जाना पड़ेगा लेने। अभी मेरे साथ सिर्फ टूनी है क्योंकि उसे भी डर लगता है, और मुझे
मतलब अंधकार से बारिश बहुत अच्छी लगती है, अंधकार से ज्यादा ना मुझे बिजली तड़कने से डर लगता है। बिजली जब तड़कता है ना तो मेरा हालत ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा रहा है। तो इसलिए मैं अभी तो कैंडल जला के रखी हूँ कि करंट जाए उससे पहले मैं अपना सेफ्टी करके रखी हूँ। तो अभी तो मम्मी उधर है, मैं फ़ोन की थी तो मम्मी बोली मैं ठीक हूँ, फिर तुम बारिश कमे तो घर में रहना। मम्मी भी डरती है, मैं अकेली हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। तो मेरा चावल हो चुका है तो जाती मैं अभी चावल का ये माट डालने, माट डाल के उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, फागुन महीना का पहला बारिश स्टार्ट हो गया है, बारिश का मौसम स्टार्ट। ये देखिए हमारे आंगन का हालत, सब बेल के पत्ते उत्ते सब गिरे हैं और कितना जोर जोर से बिजली तड़क रहा है। मुझे बिजलियों से बहुत डर लगता है, पत्ते कितना तेज तेज बारिश हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं मम्मी को लेके आई हूँ, मम्मी भी बाहर हाथ मुंह धो रही है, मैं पूरा भीग चुकी हूँ। कह रही मम्मी मेरी, तो टूनी और मैं गए थे मम्मी को लाने, पूरा भीग चुके हैं, पूरा भीग गए हैं हम तीनों। जा चेंज कर ले। तो चलिए आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, अभी तो जाते हैं हम चाय वे मम्मी को देते हैं। ठंड लग रही है बहुत, और पहला बारिश में से भीगे ना तो कहीं जुकाम सर्दी ना लग जाए मुझे। तो दोस्तों हम लोग का चाय वाय पीना हो चुका है और मम्मी उधर बैठी है और अभी भी मोमबत्ती जल रहा है क्योंकि लाइट जा रही है आ रही है। और नानी अभी तक आई नहीं है, मार्केट गई है, पता नहीं कब आएंगी। तो मासी को फ़ोन करी तो उनके साथ आ रही है। तो अभी फिर से लाइन जाए तो उससे पहले ब्लॉग ख़त्म कर देते। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरे घर के न्यू मेंबर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। ओके गुड नाइट, बाय।